नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। देवों के देव महादेव से जिन भगवान शिव को संबोधित किया जाता है, उन भगवान शिव का महापर्व महाशिवरात्रि के दिन को कहा जाता है। और जब महाशिवरात्रि नजदीक आता है तब तब पूरे देश में भगवान शिव के लिए खास तैयारियां भी की जाती हैं। भक्तगण अपनी भक्ति से लीन हो जाते हैं, धूमधाम से महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। वहीं धार्मिक मान्यता भी है कि इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसी वजह से इस दिन महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाया जाता है। और हाँ, ये भी जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से वे जल्द ही प्रसन्न भी हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बता दें, इस बार का महाशिवरात्रि पाकिस्तान में भी धूमधाम से मनाया जाएगा। बता दें, कचास राज मंदिर पाकिस्तान के पंजाब के उत्तरी भाग में नमक कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जो इस मंदिर को माना जाता है। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है। इसके अलावा और भी मंदिरों की श्रृंखला है जो 10वीं शताब्दी की बताई जाती है। इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग के मुताबिक इस स्थान को शिवनेत्र माना जाता है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में महाशिवरात्रि समारोह में भाग लेने के लिए 62 भारतीय हिंदू बीते दिन बाघा बॉर्डर के रास्ते पहुंचे। एजेंसी के मुताबिक इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के प्रवक्ता आमिर हाशमी ने बताया कि महाशिवरात्रि के जश्न में हिस्सा लेने के लिए कुल 62 हिंदू तीर्थ यात्री बुधवार को भारत से लाहौर पहुंचे। प्रवक्ता आमिर हाशमी ने बताया कि ETBP द्वारा आयोजित महाशिवरात्रि का मुख्य समारोह 9 मार्च को लाहौर से लगभग 300 किलोमीटर दूर चकवाल में ऐतिहासिक कटास राज में आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक नेता भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बाघा में तीर्थ स्थलों के अतिरिक्त सचिव राणा शाहिद सलीम ने विश्वनाथ बजाज के नेतृत्व में आए हिंदुओं का इस्तकबाल किया है। ETBP प्रवक्ता ने कहा कि लाहौर के गुरुद्वारे डेरा साहिब में रात बिताने के बाद हिंदू तीर्थयात्री मुख्य उत्सव में शामिल होने के लिए कटास राज मंदिर के लिए रवाना होंगे। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हिंदुओं के लिए सुरक्षा, आवास और परिवहन का बंदोबस्त बेहतरीन तरीके से किया गया है। महाशिवरात्रि के जश्न में शामिल होने के बाद तीर्थयात्री 10 मार्च को लाहौर लौटेंगे और 11 मार्च को वे कृष्ण मंदिर, लाहौर किला और लाहौर के अन्य ऐतिहासिक स्थानों का दौरा भी करेंगे। उसके बाद सभी तीर्थयात्री 12 मार्च को अपने वतन को लौटेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि इस रात भगवान शिव ने देवी पार्वती के साथ शादी की थी। उनके दिव्य मिलन के जश्न में उस दिन को भगवान शिव की रात के रूप में महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो इस तरह से इस बार का महाशिवरात्रि पाकिस्तान में भी धूमधाम से मनने वाला है, और सिर्फ पाकिस्तान में ही धूमधाम से नहीं मनने वाला है, बल्कि हिंदुस्तान के 62 भारतीय पाकिस्तान के उस पवित्र स्थान पर जाकर भगवान शिव का पूजन अर्चन काफी शिद्दतों के साथ करेंगे और धूमधाम से मनाएंगे। जो कि पाकिस्तान के सरकार की अगर बात कही जाए तो भी उसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीवी 24।